हे गाइस, की हालचाल, मैं हूं अभिषेक। स्वागत है आप सभी का फिल्मी बीट चैनल पर। बिग बॉस सीजन 12 घर में बहुत कुछ होता है। पहले दिन की सारी अपडेट्स हमने आपको बताई थी, लेकिन आज बारी है डे 2 हाइलाइट्स की। आखिर क्या क्या हुआ बिग बॉस के घर में दूसरे दिन। दरअसल इस दिन की शुरुआत हुई झगड़े के साथ। हालांकि हुआ यूं था कि आपने पहली रात जैसा देखा था, सोमी और शिवाशीष ने एक मजाक किया था। उन्होंने जानबूझकर झगड़ा दिखाने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही घर वालों ने इस पर रिएक्ट करना शुरू किया, उन्होंने इस बात को रिवील किया कि वो सिर्फ मजाक कर रहे थे क्योंकि घर में सब कुछ बोरिंग हो रहा था। लेकिन उनका ये मजाक उल्टा पड़ जाता है और काफी घर वाले उनसे खफा हो जाते हैं। खास तौर पर दीपक की पार्टनर, उनकी जोड़ीदार रोशनी तो रोने तक लगती है और बातें कई हद तक आगे चल जाती है, उसे घटिया हरकत कह देती है। सवाल ये उठ जाता है उन पर कि अगली बार जब झगड़ा होगा तो आप पे विश्वास कौन करेगा, हम तो यही समझेंगे कि आप प्रैंक ही कर रहे हैं। इस तरीके से चीजें आगे बढ़ती है। सोमी और सबा, जयपुर की ये दोनों बहनें टारगेट बन जाती हैं, लोग इनसे खफा हो जाते हैं। देन उसके बाद बाथरूम एरिया में सृष्टि और सबा के बीच में नोकझोंक हो जाती है, बहस हो जाती है। सृष्टि ब्रश कर रही है, सबा साफ सफाई करने की कोशिश कर रही है, उसी बीच इन दोनों की नोकझोंक होती है और बात काफी हद तक आगे जाती है। फिर आती है घर में काम करने की पारी को लेकर। अब जाहिर सी बात है, कोई कैप्टन नहीं है, कैप्टेंसी नहीं है, तो काम को लेकर भी कई चीजें हैं। सबा सोमी इस बात पर सवाल उठाते हैं कि कौन कितना काम कर रहा है। वो इस बात को लीड करने की कोशिश करती हैं कि आखिर सब का काम डिवाइड होना चाहिए, लेकिन उसके बाद खास तौर पर बहस हो जाती है उनकी दीपिका से। तो कुल मिला के सबा और सोमी सबके साथ अपना कुछ ना कुछ पंगा कर लेती हैं। सब घर वालों को बुलाती हैं और कहती हैं कि बताओ काम किस किसने किया। देन उसके बाद सब कहते हैं तुम होती कौन हो पूछने वाली, क्योंकि अब तक तुम्हें कोई कैप्टेंसी दी नहीं गई है या किसी को भी कैप्टेंसी दी नहीं गई है। जो भी अपना काम कर रहा है अपनी मर्जी से कर रहा है, रिक्वेस्ट पर कर रहा है, सारी चीजें ठीक ठाक चल रही है, तुम जबरदस्ती बवाल खड़ा कर रही हो। बस इसके बाद बजता है हूटर। हूटर बजने के बाद दीपिका दौड़ कर जाती है, दबाती हैं और जैसा कि टास्क है प्रेस कॉन्फ्रेंस का, उन्हें किसी जोड़ी को चैलेंज करना था। जाहिर सी बात है दीपिका चैलेंज कर देती हैं सबा और सोमी को। इस बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए थे बाहर से जो मेहमान, उसमें थे शिल्पा शिंदे और करण पटेल। इनके सामने अच्छी खासी बहस होती है, जोड़ी अपना पॉइंट रखती है, दीपिका अपना पॉइंट रखती है और उसी बीच पूरा घर मिलकर सवाल उठा देता है सबा और सोमी को। लेकिन शिल्पा शिंदे इस बीच सपोर्ट करती नजर आती हैं सबा सोमी को, वो उनके पक्ष में ही वोट करती हैं। हालांकि इस पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस वाले टास्क में सबा सोमी फेल हो जाती हैं, कमजोर पाई जाती हैं। वैसे इस बीच ये भी होता है कि सुबह 4:15 बजे लिविंग एरिया में श्रीसंत अकेले खड़े हैं। सबा आती हैं, लाइट ऑन होने की बात कहती है, वो कहते हैं सो जाइए, लेकिन श्रीसंत अपने एटीट्यूड में कुछ खास जवाब देते नहीं है, उल्टा ही जवाब देते हैं जैसा कि श्रीसंत का एटीट्यूड है। उनका पूरा एटीट्यूड डे 2 में देखने को मिला है। श्रीसंत लगातार खान सिस्टर्स के खराब बर्ताव से घर वालों पर शिकायत करते हैं। खान सिस्टर्स बैठ कर डिस्कस करती हैं कि अगर हम अड़ियल हैं, दबंग हैं, जिद्दी हैं, तो हम वैसे ही रहेंगे। देन उसके बाद सबा सोमी को चैलेंज करती हैं दीपिका, ये वाला वाकया बाद में होता है और करण पटेल शिल्पा शिंदे अपना अपना पक्ष बताते हैं। हालांकि प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ही अनूप जलोटा साहब भी सवाल पूछ लेते हैं खान सिस्टर से कि अगर सब कुछ सही चल रहा है तो आपका क्या अधिकार है कि आप मीटिंग बुलाकर ऐसे सवाल पूछें। पर दोनों बहनें दीपिका के सामने हारती हुई नजर आती हैं। इसके बाद बीबी प्रेस कॉन्फ्रेंस टास्क में करणवीर वोहरा ने कृति और रोशनी को चैलेंज किया। उन्होंने बताया कि रोशनी और कृति साथ होने के बाद भी अलग हैं, इन दोनों में कोई तालमेल नहीं है क्योंकि ये दोनों जोड़ीदार पहले से थी नहीं। जिस पर रोशनी ने कहा कि करण में बॉस वाला नेचर है, वो अपना पक्ष रखती हैं। हालांकि इस टास्क में जोड़ी जीत जाती है और करणवीर वोहरा कमजोर नजर आते हैं। देन उसके बाद श्रीसंत ने आखिरी में बजर दबाकर सौरभ और शिवाशीष को अपने सामने चैलेंज किया, लेकिन उन्होंने पंगा ले लिया, जिसके बाद वो टास्क में जाकर कहते हैं कि भाई मुझे कुछ कहना नहीं है, 2 दिन में मैंने किसी को पहचाना नहीं। इस पर बिग बॉस उन्हें 5 मिनट का टाइम देते हैं कि आप सोच समझ कर कोई ना कोई बात रखिए, ये साबित करिए कि ये दोनों आपसे कमजोर हैं। पर श्रीसंत इससे मना कर देते हैं, एटीट्यूड फिर से श्रीसंत का, और इसके कारण बिग बॉस नाराज हो जाते हैं और लग्जरी टास्क रद्द हो जाता है। जी हाँ, बीबी प्रेस कॉन्फ्रेंस रद्द कर दिया जाता है, लग्जरी टास्क खत्म हो जाता है, पूरा घर खिलाफ हो जाता है श्रीसंत के। वहीं पर शिवाशीष और सौरभ को भी लोग सुना ही देते हैं कि आखिर तुम लोगों की वजह से हम लोगों की 2 दिन की पूरी मेहनत बर्बाद हो गई। टास्क रद्द होने के बाद घर वाले श्रीसंत को लेकर कई तरह की बातें कहते हैं, जिस पर श्रीसंत नाराज होते हैं। दरअसल इसी बीच श्रीसंत फिर से खान सिस्टर्स को टारगेट कर देते हैं और उनकी परवरिश पर सवाल खड़ा कर देते हैं। मुद्दा यहां पर गर्म हो जाता है। सोमी रोने लगती है कि आखिर वो मेरी अपब्रिंगिंग पर सवाल कैसे खड़ा कर सकते हैं। श्रीसंत बाद में जानबूझकर एटीट्यूड में जाते हैं, कहते हैं कि मुझसे गलती हो गई, मैं तो प्रैंक कर रहा था, जैसे तुमने प्रैंक किया वैसे मैंने प्रैंक किया। पर ये श्रीसंत का तंज था। श्रीसंत इसके बाद और भी नाराज नजर आते हैं, उनसे ज्यादा घर वाले नाराज हैं, फिर भी समझाने की कोशिश करते हैं। श्रीसंत को गुस्सा आता है, वो अपना माइक निकाल देते हैं, गेट के पास जाते हैं और कहते हैं कि बिग बॉस दरवाजा खोलिए, मुझे इस घर में नहीं रहना है। जी हां, श्रीसंत लास्ट में नाराज होकर कहते हैं कि मुझे
इस घर में रहना ही नहीं है, अगर यही गेम है तो मुझे गेम नहीं खेलना, मैं घर जा रहा हूँ, और यहाँ पर जाकर एपिसोड खत्म होता है। अब क्या होगा, ये सच में घर से बाहर हो जाएंगे, क्या ये पहले कंटेस्टेंट होंगे जो घर से बाहर होंगे, ये तो आने वाले एपिसोड में पता चलेगा। लेकिन इतना जरूर है कि डे टू जो है वो गहमा गहमी से, लड़ाई झगड़ों से भरा हुआ रहा है। खास तौर पर इसका जो एंडिंग रहा है वो काफी गुस्सेल रहा है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। तो फिलहाल डे टू की हाईलाइट्स हमने आपको बता दी, क्या हुआ कैसे हुआ सब कुछ आपके सामने। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही।